मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक सीट है अमरवाड़ा। अमरवाड़ा एक आदिवासी बाहुल्य सीट है और आदिवासी रिजर्व सीट है। बड़ी मात्रा में वहां पर आदिवासी बसते हैं और इस सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है मोनिका बट्टी को। मोनिका बट्टी एक बड़े ही मशहूर गोंडवाना आंदोलन के नेता रहे, या यूं कहें कि वहां के पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी हैं। फिलहाल में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और ज्वाइन करने के पहले वह भारतीय गोंडवाना पार्टी की अध्यक्ष थी। गोंडवाना आंदोलन जब शुरू हुआ तो वह एक पार्टी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। फिलहाल उस पार्टी से तीन पार्टियां निकल चुकी हैं, एक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दूसरी भारतीय गोंडवाना पार्टी और एक है राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी। हाल ही के दिनों में जब मोनिका बट्टी ने बीजेपी ज्वाइन की तो गोंडवाना आंदोलन के लोग बहुत नाराज थे। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। कहा जा रहा है कि अमरवाड़ा सीट से बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, पर ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की नजर से है। जो बीजेपी विरोधी दल हैं, जो गोंडवाना आंदोलन के एक्टिव लोग हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं गोंडवाना आंदोलन में, उनका कहना है कि मोनिका बट्टी ने उनके साथ दगा किया है। फिलहाल अमरवाड़ा सीट पर त्रिकोणी मुकाबला देखने की पूरी संभावना है। त्रिकोणी मुकाबला ऐसे कि गोंडवाना आंदोलन से भी ऐसी खबर है कि देव रावण भलावी, जो कि एक बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, या उनके जैसे अन्य वहां का कोई सीनियर या कोई एक्टिव गोंडवाना आंदोलन का कार्यकर्ता वहां से उम्मीदवार हो सकता है। सवाल ये उठता है कि अमरवाड़ा की जमीन, जो कि आदिवासी साम्राज्य का एक हिस्सा रहा है, आदिवासी राजघराने की जो एक पहचान रहा है हर्रई और अमरवाड़ा, वो फिलहाल किस ओर जाएगा। हाल में वहां पे कमलेश शाह, जो कि हर्रई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, मगर फिलहाल में ये देखना होगा कि क्या मोनिका बट्टी अपने पिता की तरह कांग्रेस के इस घर को भेद पाएंगी। क्योंकि मनमोहन शाह बट्टी एक बड़े ही एक्टिव गोंडवाना नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बहुत सक्रिय रहे। जब आप गोंडवाना आंदोलन से जुड़े नेताओं से के बारे में चर्चा करेंगे तो मनमोहन शाह बट्टी का नाम जरूर आएगा। वही देव रावण भलावी और बहुत से गोंडवाना आंदोलनकारियों ने जो मोनिका बट्टी है उनके बीजेपी ज्वाइन करने और बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो जारी किया है, देखें आप। पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरे जोश और जुनून में है। उन्होंने आज बैठक रखी और बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज मोनिका बट्टी को बीजेपी से टिकट भी मिली है। और कुछ दिन पहले मोनिका बट्टी का कहना था कि पूरे अमरवाड़ा विधानसभा कार्यकर्ता मेरे साथ। ये देखिए जेएसयू के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हैं, ये उनके साथ नहीं है। ये देखिए भूमका संघ के हमारे वरिष्ठ दादा खड़े, ये उनके साथ नहीं है। और ये देखिए सब दादा दूर दराज से, वही देवरी के आसपास से, बटका खापर से, हर्रई, सब जगह से आए, कोई मोनिका बट्टी के साथ नहीं है। और मोनिका बट्टी इस बार भारतीय गोंडवाना पार्टी से हारेगी और हमेशा दुख करेगी कि अगर गोंडवाना में रहती तो विधायक बनती, लेकिन बीजेपी में जाके अगर उसका हारने का सामना करना पड़ा तो पूरे कार्यकर्ता सामने सर झुका के घूमेगी। भारतीय गोंडवाना पार्टी के लोग आज के दिन बहुत मजबूती तरीके से काम कर रहे हैं। आज प्रत्याशी को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई और मोनिका बट्टी जी आप सुन लीजिए, आपके झांसे में कोई नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी के नाम से आप राम के नाम पे वोट मांगे, ये गोंडवाना के लोग पीला गमछा डाल के दादा बट्टी जी के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे। और ये देवरावन बलावी का पर्सनली सुझाव है, मोनिका बट्टी जी आप अकेले अगर ये बोलोगे कि बट्टी जी का नाम इस्तेमाल करके, फोटो इस्तेमाल करके, गोंडवाना के नाम इस्तेमाल करके आप वोट ले लोगे तो बहुत बड़ी आप भूल में है, क्योंकि आपका ये भूत चुनाव के समय वो कार्यकर्ता लोग ही उतारेंगे, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सेवा, जय भारत। ये वीडियो देखने के बाद इतना तो तय है कि यहाँ पे गोंडवाना आंदोलन से जुड़े लोग खामोश नहीं बैठेंगे। मोनिका बट्टी के पिता मनमोहन शाह बट्टी का चेहरा आगे करके ये लोग भी चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि वो गोंडवाना आंदोलन के प्रणेता थे, वो उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाने वालों में से, हम बीजेपी को मनमोहन शाह बट्टी के नाम पर वोट नहीं लेने देंगे। अब देखना यह है कि क्या अमरवाड़ा विधानसभा में बीजेपी फायदा ले पाएगी मोनिका बट्टी के नाम पर, या फिर उल्टा उसे नुकसान होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी की हालत अमरवाड़ा में बहुत खराब थी, अब देखना यह है कि क्या मोनिका बट्टी बीजेपी की हालत को सुधार पाएंगी, क्या आदिवासी वोट अमरवाड़ा में बीजेपी को जाएगा जिस तरह से मोनिका बट्टी को लाया गया है, क्या उसका असर अन्य सीटों पर भी पड़ेगा।
क्या बड़ी मात्रा में गोंड और अन्य आदिवासी समुदाय वोट बीजेपी को वोट डालने जाएगा, ये सवाल है और इन सवालों के जवाब आप देंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है। और चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मोनिका बट्टी के अमरवाड़ा में उतरने से क्या बीजेपी कमलनाथ के जिले गृह जिले में सेंध लगाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी का यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। दोस्तों हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें। एक बात कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि अमरवाड़ा विधानसभा में मोनिका बट्टी के बीजेपी में जाने और उम्मीदवार बनने को आप कैसा देखते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।